प्लास्टिक के पूर्णतः प्रतिबंध के पहले दिन ही बीएमसी दुकानों की जांच शुरू करेगी। तेईस जून से होने वाली इस कार्रवाई के लिए एक दो नहीं बल्कि 10 से 15 इंस्पेक्टरों की फौज पहुंचेगी। प्लास्टिक पाए जाने पर बकायदा पंचनामा कर जुर्माना वसूला जाएगा। अगले कुछ सप्ताह तक ये फौज अभियान को सफल बनाएगी। इसके बाद खास इलाकों पर फोकस किया जाएगा। बीएमसी ने 249 इंस्पेक्टरों को प्लास्टिक बंदी की मुहिम के लिए तैनात किया है, जिन्हें खास तरह की ड्रेस और पत्र दिए गए हैं। यदि आपकी दुकान पर कोई भी आकर जांच करने की बात कहता है तो उसे बिल्कुल अनुमति मत दीजिए। इंस्पेक्टर से आप नियुक्ति पत्र भी मांग सकते हैं। इंस्पेक्टरों को घरों की जांच करने की मनाही है। बता दें कि प्लास्टिक बंदी पर राज्य सरकार ने दुकानदारों से 5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जांच के दौरान प्लास्टिक पाए जाने पर पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी बार 25,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने जेल की सजा का विकल्प है। वहीं बीएमसी आम लोगों से 200 रुपए जुर्माना वसूलने के पक्ष में है। एसटीवी न्यूज के लिए मुंबई से नियाज खान की रिपोर्ट।